मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी थोड़ी और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। गैलरी में जब वो कुछ अपने जूते में कुछ लेकर गए थे तो मुझे लगता है कि वहाँ स्क्रीनिंग में वो मालूम होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी ने ध्यान देना चाहिए। और जो आज कोई जो बेवकूफ लोग है जिन्होंने मतलब इसी तरह का 13 तारीख में जो हमला हुआ था उसमें कई लोग शहीद हुए थे, तो आज के दिन हमला करने वाले अपने लोग इंडिया के लोग हैं। और उसमें मुझे मालूम हुआ कि महाराष्ट्र का भी कोई है, तो जो कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है, तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। अचानक दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े, कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा, कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे, तब तक वो सोच रहा था किधर भागू, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके, तो वहां हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया, एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही हो।